अभी इसको खींचेंगे ऐसे। अरे ये अंदर का तेल बताता हूँ दोस्त, अभी इधर बता भाई। ये देखो दोस्तों, ये रहा इसका तेल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी ना हम एक साल के बाद गोरफड़ को पकड़ के लाए हैं, और वो गोरफड़ कहाँ है आप सभी को दिखाता हूँ मैं। ये रहा दोस्तों, ये देखिए दो दो है, ये बहन है लगता मेरे को, क्योंकि ये काला दिख रहा और ये थोड़ा भूरा भूरा दिख रहा ना, इसके वजह से बोल रहा मैं कि ये दोनों भाई बहन हो गए, ये बड़ा भाई और ये छोटी बहन। तो पूरा एक साल बाद दोस्तों इनको पकड़ के लाए हैं, और आज बताऊंगा आप सभी को मैं कि इसका खाल कैसे निकालते हैं। आप सभी को पता नहीं होगा, और कभी किधर मिल जाए तो कोई कोई तो खाते हैं, कोई कोई नहीं भी खाते हैं, तो जो जो खाता है ना उसके काम में आ जाएगा। तो इसका ना खाल कैसे निकालते हैं, और इसके अंदर ना तेल निकलता है दोस्तों। इसका तेल ना सब तेल से महंगा रहता है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको, कि किस तरह से इसका खाल निकालते हैं वो बताऊंगा मैं, और इसका तेल कहाँ पे निकलता है वो भी दिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं, और इधर ला भाई, यहाँ पे बता, यहाँ पे। तो इसको ना दोस्तों पहले ऐसे करके ऐसा कट लगाना पड़ेगा ऐसा, और चारों तरफ से ऐसा कट लगा देते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों ये कट लगाते हैं अभी ना इसको चारों तरफ से, और अभी ना इधर कट लगाएंगे यहाँ से ऐसे करके तो यहाँ तक, और फिर बाद में यहाँ से यहाँ तक, और ये ऐसे, और यहाँ पे भी यहाँ से डायरेक्ट ऐसे। तो चलिए सब फटाफट से पूरा कट लगा लेता हूँ, फिर इसको खाल निकालने का देखूंगा मैं आइडिया। सबसे पहले ऊपर ऊपर कट लगाना है इसके खाल के ऊपर, ये देखिए मैंने कैसे खाल खाल पे लिया, ऐसा देना है, ये ऐसे खाल निकलेगा फिर बाद में। तो चलो दोस्तों काट दिया मैंने, तो ये देखो यहाँ से तो कट लगा दिया था, और ये देखिए ऐसा कट लगाया डायरेक्ट यहाँ से तो यहाँ तक के, और दूसरा चीरा है दोस्तों ये देखिए यहाँ से इधर हाथ, और इधर से यहाँ तक, ये इधर वाला हाथ भी, और इधर वाला भी, ये पैर को भी यहाँ तक, और ये भी, बस इतना कट लगा लेना है दोस्तों। और फिर बाद में ये जैसे उंगली उंगली से निकल जाता है, इसको अभी निकालूंगा मैं। तो देखिए दोस्तों इसको ना अभी इस तरह से ये ऐसे निकालना है, इस तरह खींच के, हमारे पूरा और यहाँ से भी ऐसा खींच कर ऐसे निकालना पड़ता है। हाँ तो दोस्तों इस तरह से कुछ ऐसा करना पड़ता है, इतने इसमें साथ में मटन चिपक के निकलता रहता है, तो मटन को निकलने देना है। ए रोहन अखा जाओ, निकल दे जा, कथा दास होता जावा, आई नहीं नहीं काई काम नहीं, तुम पकड़े जाओ जाओ जाओ, नियमा देखो तो हो जाते हैं, तुम नाटक कर रहे थे यहाँ, जा 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 बस यहाँ चाय दे, और सब दे दे हैं। तो देखो दोस्तों ये हाथ निकल गया अलग, ये चामड़ा इधर, और फिर बाद में इसको यहाँ से काट के फेंक देना है। तो अब इधर वाला निकाल लेता हूँ। कुछ इस तरह से ये देखो ये निकल गया चमड़ा हाथ का, दोनों हाथ मोकले हो गए हैं ये, और अभी इधर का ये गले पर का भी इस तरह से खींच खींच के निकाल लेते हैं, और इसमें ना मटन जाता है दोस्तों चिपक के, तो उसको ना थोड़ा बहुत जैसे चाकू रहा कि क्या बोलते हो रजन पत्ती भी रहे तो जलता पान, और अभी थोड़ा ये इधर से घुमाएंगे क्योंकि ये इधर का चमड़ा निकालना है अभी ऐसा। नहीं नहीं जैसा रहेगी। तो दोस्तों इसको ना भी ये देखिए इस तरह से खींचूंगा मैं, ये पीठ पे, ये पीछे वाला पीठ पर का, ये देखिए आगे से मस्त ये सब मोकला निकल गया है, और मुंडी को ना यहाँ से काट के फेंक देंगे, इसको नहीं खाते। तो अभी इधर घुमाते हैं,
अब यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं ऐसा, फिर बाद में खींच लेंगे ना पूरा निकल जाएगा ये। यहाँ पे भी दोस्तों ये मटन जाता है चमड़े के साथ, इसको भी थोड़ा ऐसे करना पड़ता। और अब इसको खींचेंगे ऐसे, ये कैसा निकल गया दोस्तों पूरा निकल गए। और नीचे से तो ऐसा निकलेगा क्योंकि इधर नीचे ज़्यादा चमड़ा रहता नहीं है, थोड़ा थोड़ा चमड़ा निकल जाता है ये खाल के साथ में नीचे वाला। तो अभी ना दोस्तों ये नीचे पाव है ना उसको भी थोड़ा ऐसा देख देख के निकालना पड़ता है ऐसे। तो दोस्तों देखिए इसको भी इधर से ऐसे खींचेंगे, ये पीछे वाला पेड़ है ये, इसको भी ऐसे ताकत लगाना पड़ता दोस्तों। ये पाव की डायनासोर ये निकल गया। और अभी इधर का पेड़ बाकी है कहाँ रे, ये तो इसको भी खींचेंगे ऐसे। बहुत इसको भी दोस्तों ऐसा खींच के ऐसे निकाल लेते हैं। और अभी दोस्तों इसको ऐसा खींच लेंगे डायरेक्ट ये, और थोड़ा सा और चीरा लगाएंगे इधर क्योंकि ना ये फटेगा नहीं पूरा। जो तो यहाँ धोरे लाए रे जो यहाँ कने जा रहा था तो इधर से निकल गई ना मोट कुछ को है। ये देखो दोस्तों निकल गया और यहाँ से टूट गया ये थोड़ा, वैसा भी ये पतला बहुत है इसलिए ये काम का भी नहीं है। काम का तो, नहीं तो नहीं। ये देखो दोस्तों पूरा खाल पूरा की पूरा निकल गया सगला की सगला। तो दोस्तों ये था गोरफड़ का खाल निकालने की टेक्निक, और आप सभी को किधर मिले ना तो इस तरह से निकाल लेना खाल, अगर भूल जाएंगे ना तो मेरा वीडियो निकल के देख लेना और आप सभी को अच्छे से पता लग जाएगा। और अभी ना इसको और अंदर का तेल बताता हूँ दोस्तों, अभी इधर बता भाई। ये देखो दोस्तों ये रहा इसका तेल, ये तेल है क्या बोलते हैं उसको फाफड़ा, फाफड़ा। ये देखिए दोस्तों ये रहा इसका फाफड़ा चर्बी जैसा, ये चर्बाई है ये। इसको ना कैसे करते उबाल के तो इसको गरम करके देखिए। तो इसको ना दोस्तों थोड़ा सा तवा गरम करके ना उसमें थोड़ा देर ऐसे रख लेना, ये सब गल जाता है इसमें से तेल निकल जाता है। तो उस तेल को ना बाद में अपन ने शीशी में कुछ भी डब्बी में लेकर रख लेना। इसका तेल बहुत जख्म मतलब कि जख्म पर काम में आता है, हम लोग बहुत इस तेल का यूज़ करते हैं और इसका तेल ना एकदम पावरदार भी है। तो चलिए दोस्तों सबको दिखा दिया अभी, और अभी दूसरा गोरफड़ ये देखो अब इसको तैयार करेंगे ये वाला। तो करते ही दोस्तों इसको भी तैयार, और जब तक के लिए इसका सब भाजी पालक करके रखेंगे क्योंकि अभी इसका चिकन चिकन करेंगे खाने के लिए, बहुत मजा आने वाला है। चले भाई अभी इसको तैयार कर लेता हूँ मैं।